तुमने इसको हाथ नहीं लगाना ओके ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट जी सर अब बेटे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना किसी ने इफ यू हैव अ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क क्वेश्चन बस दैट्स

लिहाजा एक न्यूरॉन की टेल से निकलने वाली चीज़ दूसरे के हेड से होती हुई इसके टेल से निकलती है और एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर के तहत ये लो, ये चीज़ें चलती रहती हैं उसके अलावा जो चीज़ें देखनी है जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर देखा था हमने एक न्यूक्लियस होता है ये भी एक न्यूक्लियस ही है दिस इज न्यूक्लियस ये इसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें को है, साइटो प्लाज्म। साइटो प्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कहते हैं उन तमाम चीज़ों को जो कि सेल बॉडी के अंदर हुआ करती हैं और ये ज़रूरी है इसमें नरिशमेंट भी है इसमें सेल की एनर्जी भी है इसके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया उसके एनर्जी सोर्सेज भी हैं इसमें प्रोटीन्स भी हैं लिपिड्स भी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस न्यूरॉन के अंदर मौजूद हैं और न्यूक्लियस जगह का बादशाह है ये डिसाइड करता है कि व्हाट टू डू जो भी ये आ, सेंस रिसीव करता है उसको फिर पास ऑन कर देता है टूवर्ड्स दिस टू द टेल और इस बॉडी में से इसको कहते हैं सेल बॉडी ये सेल बॉडी में से होता हुआ ये चीज आगे चलती है यहाँ पर आप देखें दो चीजें आपको नजर आ रही हैं एक तो ये ग्रीन कलर की नजर आ रही है इसको कहते हैं माइलिन शीट ये बेसिकली इसको इस न्यूरॉन को यू समझें कि इलेक्ट्रिक चार्ज को लीकेज से बचाने के लिए उसके ऊपर एक लेयर है एक शीट है अब ये शीट जो है ये बेसिकली इसीलिए ताकि जब इस सेल बॉडी में इस न्यूक्लियस से होता हुआ जब करंट आगे की तरफ जाएगा तो सेल जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो सो ये माइलिन शीट है तो यहां से इंपल्स आया और इस तरफ को इंपल्स जो है वो जा रहा है ठीक है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन ये आपको नजर आ रहा है टू द एक न्यूरॉन इधर होगा किधर होगा तो ये साथ-साथ जो है वो इंटेग्रेटेड है और जुड़े हुए हैं तो इस डायग्राम को आप गौर से समझिए ओके नाउ दिस इज अ न्यूरॉन ये एक न्यूरॉन है एक न्यूरॉन ये पड़ा हुआ है एक न्यूरॉन ये है ये देखें मुख्तलिफ न्यूरॉन्स हैं इनकी बॉडीज तो आपस में टच नहीं करती लेकिन टच एक दूसरे को ये नहीं करते लेकिन ये है कि एक न्यूरॉन की टेल और दूसरे का हेड जो है वो पास पास होता है लिहाजा एक से दूसरे में वो चीज़ें इन्फॉमेशन जो, जो आपकी सेंसटी फीलिंग है वो ट्रांसफर होती चली जा रही है ओके okay, ये एक नेटवर्क है बेटे जो आपको नजर आ रहा है दिस इज ए नेटवर्क अब इसमें आप देख लें कि एक न्यूरोन के बाद दूसरा न्यूरोन फिर तीसरा और ये इनके डेनराइट हैं ठीक है so, सो डेनराइट्स वो चीजें हैं जो के कैच करेंगे इम्पल्स को फिर ट्रांसमिट करेंगे अपनी सेल बॉडी में और फिर इसकी टेल से यहां से बाहर निकल जाएगा अब इस न्यूरोन ने क्या किया इधर से अगर ये रिसीव कर रहा है तो इधर से ये डिस्चार्ज कर रहा है और ये डिस्चार्ज क्या करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस याद है हमने उस वक़्त भी जिक्र किया था जब हम हेयरिंग पढ़ रहे थे कि वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व जो थी वो निकलती थी कॉकलियर से और वेस्टिब्यूल से और उनके अंदर से उस उसके अंदर से क्या ट्रैवल करता था वो नर्व क्या चीज थी वो नर्व बेसिकली न्यूरॉन्स थे न्यूरॉन्स थे उन न्यूरॉन्स को ऐसे मिले हुए थे न्यूरॉन्स के वो एक नर्व की शक्ल इख्तियार कर गए थे और उसके अंदर से वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होता था हेयर सेल की मूवमेंट से वो ट्रैवल करता था और ट्रेवल करके किधर जाता था द ऑडिटरी कॉर्टेक्स तो यहाँ पर अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि व्हाट्स uh, हैपनिंग अच्छा जी आगे चलते हैं अब हम जरा इसको थोड़ा सा जो बातें आपको बताई गई हैं इनको आप समझ लीजिए तो न्यूरॉन्स के कई साइजेज हैं और कई शेप्स हैं न्यूरो सारे के सारे ऐसे नहीं होंगे ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है लेकिन इसके साइज में भी फर्क हो सकता है शेप में भी और ये सभी जो है ये इनके अंदर सिर्फ क्या चीज पास करती है नर्वस टू मिला नर्व्स का स्टूमुलस जो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक तो नहीं कहते इसमें मैंने भी क्या वर्ड इस्तेमाल किया था इंपल्सेस नर्व इंपल्सेस नर्व्स के अंदर से नर्व इंपल्स जो है वो गुजरता है जैसे तार के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है नर्व के अंदर से नर्व इंपल्सेस गुजरते हैं नर्व इंपल्सेस क्यों क्रिएट होते हैं नर्व इम्पल्सिस क्यों क्रिएट होते? होते हैं नर्व इम्पल्स इसलिए क्रिएट होते हैं ताकि जैसे ही आपको कोई आपकी सेंस किसी चीज को कैच करती है तो स्पेशलाइज सेल्स हैं जो के एक इम्पल्स जो है वो कन्ट डेवलप करते हैं और वो इम्पल्स ट्रांसमिट होती है थ्रू न्यूरॉन्स द ब्रेन तो ब्रेन का और ब्रेन खुद भी न्यूरॉन्स ही थे लेकिन हुआ क्या कि न्यूरॉन्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइटेशन एंड इलेक्ट्रिकल केमिकल कंडक्टिविटी इसके अंदर दो चीजें हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी और केमिकल कंडक्टिविटी दोनों चीजें होती है इसके अंदर करंट भी ट्रांसमिट होती है और केमिकल्स भी रिलीज होते हैं ये दो अलग अलग चीजें हैं इलेक्ट्रिक करंट भी होती है और केमिकल्स भी न्यूरॉन्स के अंदर पैदा और रिलीज होते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लिया जब न्यूरॉन्स ब्रेन की शक्ल में मौजूद हैं, यानी कि इकट्ठे मौजूद हैं एक बॉल की तरह मौजूद हैं, तो हम उसको कहते हैं न्यूक्लियाई न्यूरॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियाई तो न्यूक्लियाई क्या चीज है न्यूक्लियाई बेसिकली एक अरेंजमेंट है न्यूरॉन्स का जो कि ब्रेन के अंदर पाया जाता है तो इसलिए हम उसको कहते हैं न्यूक्लियाई लेकिन जब यही न्यूरॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं यानी कि स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हुए जब ये स्पाइनल नर्व्स बन जाते हैं तो हम इनको कहते हैं कि ये गेंग्लिया है ये क्या चीज है गेंग्लिया और इसका सिंगुलर होता है गेंगलियान मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ब्रेन न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ न्यूरॉन्स के शेप्स हैं साइजेस हैं अगर तो ब्रेन जो अगर जो न्यूक्लियस अगर जो न्यूरॉन्स हैं दे आर टुगेदर एज दे आर इन ब्रेन तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज ए न्यूक्लिया और अगर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है यानी कि पेरिफेरल नर्व्स बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है दे आर अ ओके ये देखें ये वही वाली डायग्राम किसी और रूप में आपको नजर आ रही है मैंने आपको बताया था ये वाली चीजें डेंड्राइट कहलाती हैं ऊपर वाली डेनराइट है नीचे वाली टेल टेलो है यानी ये टेल के लिए इसको कहा कहालोडेंड्राइट समझ लीजिए उसके बाद इसके अंदर आपको नजर आ रहा है एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर भी एक और होता है दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस है और दूसरा स है ओके देन मूविंग अहेड ये मैंने आपको बताया इसके अंदर बहुत सारी साइटोप्लाज्म uh, है और साइटोप्लाज्म और गोल्जी अपरेटस ये लिखा हुआ गोल्जी अपरेटस और ये माइकोकॉन्ड्रियान ये इसके एनर्जी यूनिट्स हैं यहाँ से ये एनर्जी ये जो इलेक्ट्रिक कम्पल्स ये माइट ये आपको माइकोकॉन्ड्रियान देते हैं उसके अलावा ये साइटोप्लाज्म कहते हैं लिक्विड इन द सेल देन दिस पार्ट इस तरफ आ जाए तो इसको कहते हैं एग्जॉन्स

और ये इसके टेली दूसरे करता है यहां से, से ट्रांसमिट करता है तो अगर ये न्यूरॉन ऐसा ही है तो दूसरा न्यूरॉन जो इसके नीचे होगा उसका डेंड्राइट्स होंगे नीचे इसके साथ आगे उसके डेंड्राइट्स होंगे वो डेंड्राइट्स इसका करंट ले लेंगे और द प्रोसेस को जो नर्व सेल बॉडी ये अब हम न्यूरॉन की अनैटमी पढ़ रहे इट इज अ मैस ऑफ साइटोप्लाज्म इट कम्प्राइज ऑफ न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी ऑपरेटर्स सेंट्रियोल्स लाइसोसोम्स ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द एनर्जी यूनिट गोल्जी ऑपरेटस सेंट्रियोल्स ये उसके सेल डिवीजन के अंदर काम आएंगे और लाइसोसोम्स प्रोवाइड इट एनर्जी इट इट प्रोवाइड इट नरिशमेंट तो सेल की जो भी नरिशमेंट है वो इन तमाम अप्रेटस से होती है तो अब आपने यूं समझना है इस चीज़ को कि साइटोप्लाज्म व्हाट इज अ न्यूरॉन न्यूरॉन एक बड़ा सा मैस है साइटोप्लाज्म का एक सेल है बड़ा सा और उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपको नजर आ रही हैं इसमें से कुछ जो है ताल्लुक कुछ का ताल्लुक एनर्जी प्रोडक्शन के साथ है कुछ का ताल्लुक उसकी नरिशमेंट के साथ है कुछ का ताल्लुक उसके कंट्रोल के साथ है और कुछ का ताल्लुक जो है वो उसकी फिजियोलॉजी के साथ या नहीं हाउ विल इट वर्क के साथ है अच्छा एक तो होगी जो यूनिट था नीचे वाला दैट्स कॉल्ड सेल बॉडी और दूसरा है सेल प्रोसेसेस नर्व सेल प्रोसेसेस कंप्राइज ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स डेंड्राइट्स आर शॉर्ट प्रोसेसेस इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी एंड कंडक्ट इंपल्सेस टू द सेल बॉडी एक्सॉन्स आर द लॉन्गेस्ट दे आर वेरिएबल इन साइज इज द लार्ज वन ट्रांसमिट द इम्पल्स मोर क्विकली अब मैं आपको बताता हूँ इस डायग्राम से दोबारा देख लीजिए इसके दो पार्ट्स हैं एक इसकी सेल बॉडी है आ, ए, एक क्या था दिस इज द सेल बॉडी नर्व सेल बॉडी और दूसरा है नर्व सेल प्रोसेस तो ये वाली सेल बॉडी है जी और ये सेल प्रोसेस है दिस इज द प्रोसेस और ये सेल बॉडी है सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है माइटोकॉन्ड्रिया है गॉलजी अप्रेटर्स है आ, उसके बाद ये न्यूक्लियोलस है ये सारी की सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म का हिस्सा हैं ये इसके पार्ट्स हैं डेंड्राइट्स और ये इसका जो आ, नर्व की जो प्रोसेस है इसके अंदर ये चीज़ें एग्जॉन्स आते हैं वन टू तो, थ्री फोर फाइव अब ये इसके अंदर एग्जॉन्स आते हैं ये मुख्तलिफ हो सकते हैं किसी अब इसके अंदर पाँच एग्जॉन्स हैं हो सकता है कि दस वाला भी हो सकता है बीस वाला भी हो तो जिसके जितने ज्यादा एग्जॉन्स होंगे वो उतनी दूर तक और उतनी तेजी से इलेक्ट्रिकल एले, इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है ये तो काबिल फहम बात है ना कि अगर ये प्रोसेस लंबा होगा तो उसका मतलब है कि सेल की परफॉर्मेंस भी ज्यादा हो सकती है इसकी रेंज भी ज्यादा होती है तो रिपीट करते हैं जी के दिस इज द सेल बॉडी ये सेल बॉडी का मेन हिस्सा जो ये सेंट्रल यूनिट है सेल बॉडी फिर आगे ये वाला उसका प्रोसेस है प्रोसेस जितना लंबा होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रिक जो इंपल्स हैं वो आगे की तरफ ट्रेवल करेंगे ओके मूविंग अहेड आगे चलते हैं अब आपको समझ आएगा कि इसके साइजेस भी डिफरेंट हो सकते हैं शेप भी डिफरेंट हो सकती है एग्जॉन का नंबर भी डिफरेंट हो सकता है डिपेंड करेगा कि कौन सी नर्व है आपने आपने जब वो नर्वस सिस्टम पढ़ा ना तो उसके अंदर आपको बताया गया तो नर्व्स जो है वो कोई कहीं से ओरिजिनेट होती थी कोई कहीं से ओरिजिनेट होती थी किसी की लंबाई ज़्यादा है किसी की लंबाई कम है तो जो, जो लंबी वाली नर्व्स होंगी उनके अंदर न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर और उनकी साइज जो है और उनकी शेप जो है वो डिफरेंट होगी उनके अंदर ज़्यादा एग्जॉन्स होंगे और जो छोटी वाली नर्व्स थे उनके अंदर एग्जॉन्स कम हो सकते हैं बिकॉज उसने इम्पल्स ने ट्रेवल बहुत ज़्यादा यह काम करना था ओके okay. पार्ट ऑफ द नर्व दंडक्ट इम्पल इन दूसरी चीज दूसरा जो, जो, जो कि उसके प्रोसेस का हिस्सा है सेल प्रोसेस का हिस्सा है ये जो एग्जॉन्स व फंक्शन ऑफ इट तो पहली बात तो ये है कि ये करते हैं कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को नंबर वन नंबर इसके ऊपर जो मैंने बताया कि एक शीट थी वो शीत किस चीज की है वो उसको इंसुलेट करती है इंसुलेट करना मतलब कि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को बाहर नहीं निकलने देती प्रोटेक्ट करती है जाहिर है एक है प्रोवाइड करती और उसके अलावा तीसरी चीज जो है वो एग्जॉन को फीड भी करती है और उसको नरिश करती है माइलिन शीत जहां से टूटी हुई है आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर अब मैं आपको वापस उस डायग्राम पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ ये देखें जी सेल बॉडी थी ये वाली ये सेल प्रोसेसेस प्रोसेसेस हैं हैं सेल एक्सॉन से मिलकर बने हुए one, two, three, four, five, ये फाइव लीनियर एक्सॉन्स हैं और ये जो हैं ये कोलेट्रल एक्सॉन्स हैं यानी कि ये किसी और से भी मिला हुआ है यहाँ पे लेकिन चलो हम इसको अगर इग्नोर कर दें सिर्फ ये देखें तो ये सारे के सारे एक्सॉन्स हैं एक्सॉन्स के ऊपर जो है ये माइलिन शीट है ये वाली ये जो इसके ऊपर एक कवरिंग है दिस इज माइलिन शीट ये करती क्या है प्रोटेक्ट करती है सेल बॉडी को इसको नरिश करती है और इलेक्ट्रिक करंट के पास होने में मदद देती है इसके अलावा एक और चीज वो बता रहे हैं कि ये जो गैप्स हैं बीच में जहां पर ये ये ओपनिंग्स हैं ये ओपनिंग्स हैं ये जो ओपनिंग्स हैं इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर नोड्स ऑफ रेनवियर और इसी की वजह से नोड्स की वजह से ये फ्लेक्सिबल रहता है न्यूरॉन की बॉडी न्यूरॉन का जो प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल रहता है वो इधर उधर हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर इसको इधर से इसने करंट इधर भेजनी थी तो ये इसको मूव करके इधर भी आ सकता है इसको जहां से करंट मिलेगी या जहां इसने करंट पहुंचानी है ये अपनी इस सेल प्रोसेस को तब्दील कर सकता है इसकी डायरेक्शन को तो अभी मैंने आपको जो बताया वो ये बात थी कि इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर न्यूरॉन टेकिंग द एम्पल्स सिस्टम टू द टारगेट ऑर्गन आर इफरेंट ये मैंने आपको शुरू में बताई थी बात मैं फिर रिपीट कर देता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब मैसेज लेकर न्यूरॉन जाते हैं किसी भी बॉडी ऑर्गन की तरफ उनको कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन ई से ई e से इफेक्ट लिखा हुआ ना